अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नादिया है और मैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज एस्मा के हवाले से कुछ बात करेंगे। एस्मा काफ़ी कॉमन है कुछ कंट्रीज़ में, काफ़ी चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में ज़्यादातर डायग्नोज होता है। और जब लोगों को सांस में प्रॉब्लम, इसकी मेन अलामत में घुटन जैसी एक फीलिंग, एक खांसी जो अक्सर रात में डिस्टर्ब करती है, सुबह सुबह डिस्टर्ब करती है, तो एस्मा वेरी ऑफन फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है। और कुछ लोगों में जिनमें एलर्जीज़ हैं उनमें भी ज़्यादा कॉमन होता है। इसकी ट्रीटमेंट से डरे नहीं, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ इन्हेलर है। लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम ओरल मेडिकेशन लें, लेकिन ओरल मेडिकेशन हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उसके पूरे बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इन्हेलर से कम्प्लीटली कंट्रोल हो जाता है, आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। अपनी बच्चों में होता है तो लोग डरते हैं कि फिज़िकल एक्टिविटी लिमिट ना हो जाए। अगर आप अपना टाइम पे इन्हेलर ले रहे हैं तो हर चीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। और बेहतर यही है कि जल्दी एज पे इन्हेलर शुरू हो जाए ताकि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट से बचा जा सके और उन्हें डिले किया जा सके। क्योंकि जो लोग इन्हेलर शुरू करने में लेट करते हैं फिर वो जल्दी परमानेंट इफ़ेक्ट्स की तरफ चले जाते हैं। तो जब वो 20-30 साल हो जाते हैं बीमारी को, तो चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं, फिर वो मुश्किल होता है कंट्रोल करना। कंसल्ट करें और अपनी मेडिकेशन इसी तरह लें जिस तरह हाइपरटेंशन की दवा ली जाती है, डायबिटीज़ की दवा ली जाती है।